Hello everyone, this is sheet number 4 on fluids. Last class में अपने gravitation कर लिया था, fluids का हमने को discussion था. So first 5 question में जो भी आपके doubts हो, आपने fifth पूछा है तो मैं fifth बताता, उससे पहले का कोई doubt होगा तो आप पूछ सकते हो. Question number 5, ये बोलता है कि अपने पास एक यूट्यूब है जो कि पार्शियली फिल किया गया है किसी लिक्विड ए के साथ में, और फिर लिक्विड बी को आप मिक्स जो ए के ऊपर डालते हैं, ये मिक्स नहीं होते और इस तरह से डालते हैं कि वन साइड अंटिल इट स्टैंड्स अ हाइट एज अबव द लेवल ऑफ ए ऑन द अदर साइड, व्हिच हैज मीनवाइल राइज़न अ लेंथ और हाइट, द डेंसिटी ऑफ बी हैज टू बी फाउंड आउट रिलेटेड टू दैट ऑफ ए. तो करना क्या होगा, पहले अपने को पिक्चर बना लेना चाहिए यूट्यूब का. सो लेट्स से कुछ ऐसा ट्यूब रहा होगा रफली सम सॉर्ट ऑफ दिस, और इसी के पैरेलल एक और पिक्चर बना देते हैं सो दैट वी कैन डिसाइड कि एग्जैक्टली कैसे हाइट्स वगैरह बदल रहे हैं. Some sort of this. Okay. Let's think of ki wo same base hai. So initially liquid A, kyunki jab aisa language hota hai na, to apne ko proper figure draw karke hi samajh mein aayega. Let's say ki ye label tha jahan par liquid A fill kiya gaya tha initially. इसके बाद आप क्या करते हो, बी को पोर इन करते हो. लेट्स से यहाँ से बी को पोर किया आपने, सो दिस वाज़ द इनिशियल लेवल. फिर बोलते हैं कि ए राइज अप कर जाता है, मे बी ए यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कुछ इधर आ गया होगा. ए हैज गोन अप एल हाइट, सो ये जो हाइट राइजन हुआ है ये हाइट को एल बोला जा रहा है. इस लेवल से अगर ये एल ऊपर गया है, ये इनिशियल लेवल है, लेट्स इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस एल नीचे गया होगा ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. अगर ये एल नीचे जाएगा तो ये एल ऊपर जाएगा, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है. इसके बाद बी को फिल किया आपने, तो बी लेट्स से ये डॉटेड वाला है, रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेता हूँ, ऐसे रिकॉर्डेड. सो ये अपना लिक्विड बी हो गया और दिस वाज अ लिक्विड ए. आपको बोलता है कि एच हाइट टब अप है बी, सो ये जो लेवल डिफरेंस है, दिस डिफरेंस हैज बीन गिवन अस एज एच. ये सिनेरियो है ओवरऑल, अगर अपने को ये समझ में आता है देन रेस्ट इज ओवर. रेस्ट में क्या पता करना है, डेंसिटी ऑफ ए का और डेंसिटी ऑफ बी का रिलेशन निकालना है. हम बोल लेते हैं डेंसिटी ऑफ ए रो ए है, डेंसिटी ऑफ बी रो बी है. यूट्यूब को सॉल्व करने का अपने का आइडिया था कि इस पॉइंट का बॉटम मोस्ट पॉइंट पकड़ लेंगे, इस पॉइंट का प्रेशर लेफ्ट साइड से लिखेंगे राइट साइड से लिखेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे. अगर हम लेफ्ट साइड से प्रेशर लिखते हैं तो अगर प्रॉपर इक्वेशन लिखा जाए तो एटमोसफियर प्रेशर प्लस ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि ओरिजिनली ये कुछ एच हाइट रही होगी, सो वी कैन राइट रो नॉट प्लस सॉरी पी नॉट प्लस रो ऑफ ए जी इनटू हाइट व्हिच इज एच प्लस एल. दैट्स अ प्रेशर फ्रॉम दिस साइड, दिस मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर फ्रॉम द राइट साइड व्हिच इज अगेन पी नॉट आउटसाइड प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ बी इंटू जी इंटू दिस वाला हाइट. Now you can count this wala height. This is H, this is L, this is L. It turned out to be H small wala plus L, that is twice L. Plus density of A. इसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो density of A लगेगा. और अपने को ये वाली height लगेगी, ये वाली height. तो ये total H था, H में से L कम कर देंगे. So rho G capital H minus L. अब इस equation को जब आप solve करोगे, P naught cancel हो जाएगा, G cancel हो जाएगा.
ए को एक तरफ कर लोगे रो बी दूसरी तरफ हो जाएगा, और अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है रो बी डिवाइड बाई रो ए। सॉल्व करके चेक कर लीजिए, अपने को एक आंसर मिल जाएगा, और फिर चार ऑप्शन में एक ऑप्शन मैच कर रहा होगा उसको मार्क कर देंगे। कॉपी कर सकते हो और चेक कर सकते हो, और अगर आपसे हो जाता है तो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में जो डाउट हो पूछ लेने का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं बोल देता हूँ कि इसमें एक फिगर मिसिंग है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ सकते हो क्योंकि उसमें फिगर नहीं है, और बाकी आप ट्राई कर सकते हो। आपने क्वेश्चन 4 पूछा हुआ है, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। ये बोलते हैं एक बकेट है कंटेनिंग वाटर सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग बैलेंस। A piece of iron suspended from a string is immersed in the water without touching the sides of the or the bottom of the bucket. यहाँ पर भी हम लोग एक फिगर बनाएंगे पहले और उस फिगर के बेसिस इसको सॉल्व करेंगे। So now solving fourth. Let's say ये बकेट है आपके पास और इस पर लिक्विड फिल्ड है, some sort of this. So a bucket containing water is suspended from a spring balance. तो इसको spring balance से आपने suspend किया होगा, तो एक spring रहा होगा, maybe like this. कोई hook वगैरह लगा करके इसको balance किया होगा, या फिर maybe like बीच में कहीं लगाया हो, तो उसको दिखा सकते हैं। A piece of iron suspended from a string is immersed in water without touching the sides or bottom of the bucket. How will the reading of the spring balance be affected? So initially एक reading आ रही होगी, reading का मतलब kx not, और kx not ये entire weight को balance कर रहा होगा, so reading initially is going to be kx not, that is going to be weight of the liquid, entire liquid का weight. फिर इसके बाद में आपने क्या किया, एक iron का piece suspend किया ऐसा, तो इसको hold किया होगा तो कुछ tension आप यहाँ पे लगा रहे होगे, suspended using a string और इसके साथ immerse किया, touch नहीं कर रहे। अब अपने को बताना है कि अब reading पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जो नया reading हो जाएगा लिट से वो kx हो जाएगा। अपने को देखना है कि kx की वैल्यू w के बराबर है या w से बड़ी है या फिर ज्यादा है कम है क्या है वो बताना है। सो जब आप चाहो तो आप इसको अपना सिस्टम एज्यूम कर सकते, इतने वाले पोर्शन को ऊपर लगने वाला फोर्स आएगा kx, दैट्स द रीडिंग प्लस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू वेट, और उस वेट में अपना आएगा W, द टोटल वाटर का वेट बकेट के साथ में, और प्लस वेट ऑफ आयरन, आयरन का ही जो रहा होगा दोनों के सम के बराबर रहा होगा। समझ में आया, क्योंकि मैंने इसको इतना सिस्टम माना, तो ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स टोटल वेट बैलेंस कर रहा होगा, जो बायंसी होगा वो इंटरनल बन गया होगा, चला गया। अब हम अगर आयरन के पीस को समझें तो क्या हो रहा होगा, आयरन का पीस जो ये था उसका वेट आएगा नीचे की तरफ, वेट ऑफ आयरन, साथ ही साथ आप कहोगे इस पे एक बॉयंसी लग रहा होगा और एक टेंशन लग रहा होगा, ये भी इक्विलिब्रियम पर है। तो हम लोग यहाँ से एक बात जरूर बोल सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू प्लस बॉयंसी के साथ मिला करके वेट ऑफ आयरन के बराबर होती है। इसका मतलब हुआ कि टेंशन की वैल्यू वेट ऑफ आयरन से कम है, इसका मतलब टेंशन इज लेस देन दिस नंबर, दैट मींस ये बड़ा नंबर है। तो अगर इस तरफ हमने बड़ा नंबर ऐड किया हुआ है और इस तरफ हमने छोटा नंबर ऐड किया हुआ है, तो इस नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा लिख लो कि नया रीडिंग इज के एक्स और इज इक्वल टू ये डब्ल्यू था, डब्ल्यू की जगह आप लिख लो पुराना रीडिंग विच इज के एक्स नॉट प्लस वेट ऑफ द आयरन माइनस टी, और यहाँ से अपने को पता चला कि वेट ऑफ द आयरन माइनस टी वाज फोर्स ऑफ बायंसी जो कि पॉजिटिव है, तो ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ओरिजिनल रीडिंग में कुछ रीडिंग एड अप हो गई है, तो जो नया रीडिंग आएगा दैट विल बी मोर देन द ओरिजिनल रीडिंग। सो अपना ऑप्शन देंगे बैलेंस विल इंडिकेट मोर वेट,
रीडिंग विल नॉट चेंज, ए नहीं हो सकता है, लेस नहीं हो सकता है, मोर होगा, सी मार्क कर देंगे. अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंटरप्रिटेशन बेस्ड है. सो यू जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द एंटायर सिस्टम एज वेल एज ऑन द आयरन ब्लॉक और फिर फोर्स बैलेंस करके रिलेट करना. सर यस सर, इसमें मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इमर्ज करेंगे तो जो वाटर का लेवल रहेगा वो ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट अंदर था तो वो पानी को डिस्प्लेस करेगा, तो फिर इसीलिए उसका वेट बढ़ने ही वाला है. ऑब्वियस बढ़ेगा. वजह क्या बोला आपने, एक बार फिर से बोलोगे? सर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को इमर्स करेंगे वाटर के अंदर तो वो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा तो वाटर भी तो उतना वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना. तो वाटर का वॉल्यूम यहाँ पे चेंज नहीं हुआ ना, तो वाटर का मास भी नहीं चेंज हुआ यहाँ पर. और हुआ क्या है, ऑफ कोर्स ये बात है, अगर हम कोई वेट को डालेंगे तो उसका वेट एड अप हो जाएगा, बट यहाँ पे टेंशन भी लग रहा है और ये भी एक एक्सटर्नल फोर्स है. तो अगर आप इसका एफबीडी देखोगे तो अपने को ये पता चलेगा कि ये टेंशन जो यहाँ पे बताया गया बेसिकली, आप बोल सकते हो कि अगर हम कुछ भी टेंशन लेकर के चल रहे, कोई बॉडी लगाई है, तो फिर इसका रीडिंग बढ़ जाएगा. उसका रीजन एक्सप्लेनेशन ये नहीं देंगे कि वेट ऊपर चला गया. तो अगर हम वाटर का वेट ऊपर भी ले जाएंगे तो वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर का वेट अभी भी डब्लू रहेगा बकेट के साथ में. आइडिया ये है क्योंकि ये आयरन था, सिंस ये आयरन ब्लॉक जो था वो आयरन का था ना, तो ये नीचे जाना चाह रहा था, तो इसने जो वाटर को डिस्प्लेस किया होगा ना उससे ज्यादा इसका वेट रहा होगा. तो वाटर डिस्प्लेस करने से तो वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका वेट ज्यादा होता है वाटर डिस्प्लेस वेट से, और ये इनसाइड में आ गया इसलिए इसने ओवरऑल वेट को बढ़ा दिया. और या फिर आप इसको मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ कर सकते हो, वो भी चलेगा. इसका देखो उल्टा भी आंसर अपना आ सकता है कि अगर मान लीजिए इसको हमने स्ट्रिंग से ऐसे टाई किया होता नीचे, मे बी आप ट्राई कर सकते हो, और लेट्स इसकी डेंसिटी कम रही होती तो शायद हमारी रीडिंग को, हमारे एक्सप्लेनेशन को बदल, आई मीन लाइक आंसर बदल भी सकता है. सो जब कभी सिचुएशन आएगी तो हम इनिशियली बैलेंस करेंगे, फाइनली बैलेंस करेंगे, और फिर जो रीडिंग है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे. Yes. हाँ, तो ये हो गया और आपका फिफ्थ और टेंथ के बीच में मैंने सेवेंथ के बारे में बोल दिया. अगर आपको टेंथ का कोई डाउट नहीं है तो अप टू 15th क्वेश्चन, इन केस यू हैव ट्राइड एंड यू हैव अ कंसर्न यू शुड आस्क, इफ यू हैव नो कंसर्न दैट्स द पर्पस. Question number 11. Says a sphere has a hollow portion. तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार वो हॉलो बोलेगा या फिर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ बोलेगा, वो बायंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उसको कैसे डील करते हैं अब यहाँ पे देख सकते हो. A sphere has a hollow portion which is one third of its total volume. It floats in water with 4/5 of its volume immersed. Specific gravity of the material would be or is. सब लोग जानते हैं specific gravity होता है relative density of the material with respect to water. तो ये water पे ही float कर रहा होगा. तो एक छोटा सा picture बना सकते हो ऐसा. Let's say आपका water था और ये hollow sphere कुछ ऐसा रहा होगा. और ये 4/5 submerged है तो कुछ ऐसा रहा होगा, उसके अंदर एक कैविटी भी है. सो आइडिया क्या है कि अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका टोटल वेट नीचे लग रहा होगा, बायंसी ऊपर लग रहा होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. तो बायंसी मस्ट बी बैलेंसिंग द एंटायर वेट, एंटायर वेट. अब अपने को बायंसी लिखना आना चाहिए. हम लोग जानते हैं कि बायंसी में submerged वॉल्यूम लगता है, तो लेट्स से इसकी टोटल रेडियस, इसकी रेडियस अपने को आर दी गई है, या वॉल्यूम भी पकड़ लेते हैं तभी चलेगा, तो उसका वॉल्यूम भी है. सो टोटल अगर वॉल्यूम भी पकड़ते तो ये सबमर्ज्ड कितना है, 4/5. तो हम 4/5 ऑफ वी, वी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी, दैट्स फॉर्मूला बायंसी का. वेट का क्या फॉर्मूला होता है,
वेट के लिए मटेरियल का वेट आता है और टोटल वॉल्यूम हमारे पास वी है, लेकिन इसने बोला है कि ये 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम जो है ना वो हॉलो पार्ट है, तो मटेरियल कितने पार्ट पे रहा होगा, 2/3 पे रहा होगा, सो 2V/3 दिस इज द पोर्शन ऑफ द स्फीयर विच कंटेन्स द मास इनटू द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, लेट्स से उसको एस बोल देते हैं, इनटू जी, जी से जी कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया, डेंसिटी ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी और मे बी रिलेटिव डेंसिटी, इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी। सो ये आ जाएगा 4 × 3 / 5 × 2, सो ये 2 हो जाएगा, देन यू कैन से 6/5 जैसे एक नंबर आ रहा है, तो अगर 6/5 कोई ऑप्शन होगा तो उसको मार्क कर सकते हैं, डेसिमल में दिया गया तो 1.2 बन जाएगा। सब लोगों के अगर प्रॉपरली सॉल्व करते हो तो 2 लाइन में अपना आंसर आ जाता है, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि तो कौन सा वॉल्यूम यूज करते हैं सबमर्ज्ड, वेट में कौन सा वॉल्यूम यूज करते हैं मटेरियल वाला, कैविटी है तो उसको रिमूव कर देंगे। सो दैट्स योर 11th। नेक्स्ट देन अप टू 20th, अच्छा ये डायरेक्टली रेनॉल्ड नंबर पूछा तो मैं भी कि आप ले बहुत इजी लगाओ, आपने कुछ पूछा है उसको बोलता मैं। 16th and 17th, क्वेश्चन नंबर 16, a hole is made at the bottom of a tank which is filled with water, if the total pressure at the bottom of tank is 3 atmosphere and density of the water is given, then the efflux velocity is, you know the efflux velocity, efflux velocity is √2gh, √2gh से अपना काम हो जाता है, ये तब जब स्मॉल ओपनिंग होता है, ओपनिंग के बारे में इसने कैसा बोला है, होल इज मेड, स्मॉल वर्ड यूज नहीं, अगर स्मॉल वर्ड नहीं यूज करेगा तो फिर अपने को एरियाज निकालने पड़ते हैं, और बॉटम पर कितना प्रेशर है ये उसने बता रखा है, तो प्रॉपरली बता देते हैं, एक फिगर बना लेंगे उससे अपने को आइडिया लगता है। सो लेट्स से ये टैंक है, ये किसी हाइट तक फिल्ड है, लेट्स से दैट हाइट इज h एंड देयर इज दिस ओपनिंग एट द बॉटम, तो यहां से लिक्विड बाहर आता है, इसी को एफ्लक्स वेलोसिटी बोलते हैं। अगर यहाँ का प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ का प्रेशर बता रहा है 3P0 है बॉटम पर, सो स्टैटिक कंडीशन लगा सकते हैं, so 3P0 must be equal to P0 + ρgh, point is की जो ρgh की value है वो 2P0 के बराबर है, twice of the atmospheric pressure, और हम लोग atmospheric pressure के बारे में कुछ idea अपने को रहता है, तो atmospheric pressure को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसकी value भी इनफैक्ट अपने को पता होती है, 76 cm वाला है, point याद रख सकते हैं, since इसने एरिया नहीं दिया, कैसे अपने को आइडिया लगेगा कि एरिया यूज करना नहीं करना है, क्योंकि उसने एरिया दिया भी नहीं है, और तो स्मॉल ओपनिंग समझ सकते हैं, सो वी की जो वैल्यू आएगी अभी भी वही फॉर्मूला रहेगा √2gh, अपने को gh लगना है, यहाँ से अपने को पता चला gh मिल जाएगा, तो g और h की जो कंबाइंड वैल्यू है वो आएगी 2 atmosphere pressure / ρ डेंसिटी ऑफ वाटर, नॉट 2:2 एटमोसफियर प्रेशर की वैल्यू रफली 10⁵ आती है 1.1 और समथिंग यू नो दैट, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³000, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो दिस नंबर टर्न आउट टू बी 200, सो अपना आंसर आ जाएगा 2 × 200, दैट्स 400, दैट्स 20, सो 20 m/s अपना आंसर बन जाएगा, ये पहला ऑप्शन उसको मार्क कर दोगे। तो यहाँ से पहले आपने ρgh निकाल लिया, P0 की वैल्यू को यूज करके अपना आंसर बता दिया, तो दैट्स हाउ 16 कैन बी हैंडल्ड। 17 देन यू आस्किंग, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब बी मोस्ट स्ट्रीमलाइंड, सो स्ट्रीमलाइंड निकालने के लिए अपने पास रेनॉल्ड नंबर होता है, और रेनॉल्ड नंबर होता है ρvd / eta,
अपने को पता है कि जितना रेनॉल्ड नंबर कम होगा उतना वो स्ट्रीमलाइन होगा, रेनॉल्ड नंबर बढ़े फिर वो लेस स्ट्रीमलाइंड होगा, टर्बुलेंट की तरफ चला जाएगा। आपसे पूछते बोलते हैं कि लिक्विड ऑफ हाई विस्को, एक तो विस्कोसिटी, दूसरा डेंसिटी और तीसरा रेडियस के बारे में बात कर रहा है। अब देखो विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस और डायमीटर इन्हीं का यूज करना है। आप चाहोगे कि डेंसिटी उसकी कम हो, रेडियस कम हो पाइप का और विस्कोसिटी ज्यादा हो, ऐसा मार्क कर देंगे। हाई विस्कोसिटी, लो डेंसिटी और स्मॉल रेडियस, कोई ऑप्शन मैच करेगा तो उसको मार्क कर सकते हैं। सो रेनॉल्ड नंबर इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस टू डिसाइड वेदर इट्स स्ट्रीमलाइंड और टर्बुलेंट। ओके, सो आफ्टर 20th अप टू 25th, if you have any question in mind as a doubt, के बाद 30th तक अगर आपका कोई डाउट है तो क्योंकि अपने पास 30 क्वेश्चन ही है। सो 24-25 आपने पूछे, क्वेश्चन नंबर 24, इट्स अ मेटालिक वायर ऑफ डेंसिटी डी फ्लोट्स इन वाटर, द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द वायर so that it may not sink is, my goodness, that's good one. So it says ki ek metallic wire hai jiska density apne ko pata hai, water float karta hai aur ye dube na, uske liye kitna radius hona chahiye. To aapne kabhi observe kiya hoga, aap kar sakte ho, water ho ya koi aur liquid ho, agar koi hum thin wire dalte hai to float kar sakta hai, lekin thick kar dete hai to chala jata hai. Thin wire jo float kar raha hota hai, that is not because of the buoyancy force, rather because of the surface tension force. To ye surface tension se related hai. और कैसे पता क्यों ना चले, क्योंकि अपने पास ये टी इन्वॉल्व भी है। हालांकि इसका आंसर देना अपने लिए उतना टफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका हम लोग डायमेंशन से आंसर दे सकते हैं। अब देखो कि इसका डायमेंशन अलग आएगा, इसका डायमेंशन अलग आएगा, इसका डायमेंशन उसका अलग रेसिप्रोकल होगा और ये अलग डायमेंशन लेकर के आएगा। जब कभी चारों ऑप्शन में डायमेंशन अलग अलग आए, यानी फॉर्मूला कुछ ऐसा हो कि एक ही फॉर्मेट ना बैठ रहा हो, मतलब उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से ट्रीट कर लेंगे और अपना आंसर बता देंगे अगर अपने को कोई आइडिया नहीं समझ में आ रहा है तो। सो एक तो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड है, वो इसलिए दे दिया गया है ऐसे अलग अलग आंसर्स, क्योंकि प्रॉपर सॉल्व करना कई लोगों के लिए चैलेंजिंग है, तो एक साइड रास्ता मिल जाता है। बट अगर आप सॉल्व करना तो कैसा लगेगा, कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स सी, ये वायर है, वायर का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ मैं, दैट मीन्स वायर इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर जा रहा है और जिस कंटेनर में था वो ये कंटेनर है और ये जस्ट फ्लोट कर रहा है या फिर अभी सबमर्ज्ड नहीं है पूरी तरह से, तो लिक्विड यहाँ तक होगा लेवल ऐसा। ये 2D फिगर बनाया गया है एंड यू कैन थिंक ऑफ कि वायर स्क्रीन के परपेंडिकुलर चल रहा है। पॉइंट है जिससे हम लोग ये समझ पाएंगे कि हाउ दिस सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट है बेसिकली। तो इसको बैलेंस कैसे किया होगा, इसके पास एक वेट लगता है नीचे की तरफ और इसको वेट को बैलेंस करने वाला कोई ना कोई चाहिए, तो इस पे जो लिक्विड आएगा ना बॉर्डर पे वो कुछ ऐसा हो जाएगा, सम सॉर्ट ऑफ दिस। सो यू विल फाइंड कि इस पे लिक्विड पर इस तरह से सरफेस टेंशन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इन सभी का रिजल्टेंट ऊपर मिलेगा अपने को इस डायरेक्शन में, और अगर ये सरफेस टेंशन फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर गया तो फिर ये सिंक नहीं करेगा, और अगर बैलेंस नहीं कर पाया तो ये सिंक कर जाएगा। ये अपना आइडिया है, आइडिया अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि FT कितना लिखा जाए, सरफेस टेंशन फोर्स। तो जब हम लोग सरफेस टेंशन फोर्स लिखते हैं तो उसके लिए सरफेस टेंशन इनटू द लेंथ ऑन विच इट एक्ट्स, दैट्स व्हाट वी राइट। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, अगर आप इस वायर को देखोगे क्रॉस सेक्शनल व्यू,
तो वायर का क्रॉस सेक्शनल, वो क्रॉस सेक्शनल भी दिखाया गया, अगर आप उसका साइड व्यू देखोगे तो ऐसा वायर नजर आएगा अपने को। ये थोड़ा डिटेल में समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा पॉइंट है, अगर टफ पेपर आएगा तो ऐसा कुछ पॉइंट डाल सकता है। उसके लिए अपने को ये लेंथ लगेगी, ये लेंथ है, तो वो लेंथ इसके अंदर ऐसा जा रहा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। अपने को सरफेस टेंशन फोर्स में क्या लिखना होता है, टेंशन इनटू लेंथ ऑन विच इट एक्ट्स। तो इस साइड वाले लेंथ पर ये फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उस साइड वाले लेंथ पर भी एक्ट कर रहा होगा, उसके फिर कंपोनेंट्स लगेंगे ऊपर की तरफ। सो अगर हम कंपोनेंट से पहले की भी बात करें, देन यू विल फाइंड कि अपने को यहाँ पे 2L लगाना पड़ेगा, एक तो इस साइड वाला L, एक दूसरा इस साइड वाला L। हालांकि मैंने ये किसी एंगल पे दिखा दिया है, बेस्ट केस के लिए हम लोग इसको, ये जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है या फिर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग मैक्सिमम पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसने थीटा के बारे में कुछ बोला नहीं है और मैक्सिमम रेडियस के बारे में बात कर रहा है, जिसको ये फोर्स हमारा ऐसा भी हो जाता तो कितना पकड़ पड़ता, उस कंडीशन में ये लगा दिया गया। तो ये अपना सरफेस टेंशन फोर्स हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे टी इंटू टू द लेंथ मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। नाउ मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी को डी बोल रहा है, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे रेडियस के टर्म में, उसने कुछ रेडियस वगैरह दिया, अच्छा वही तो पता करना है। सो वॉल्यूम लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल व्यू इंटू लेंथ एल इंटू जी। अब देखोगे एल से एल कैंसिल आउट हो गया और अपने को मिला ट्वाइस टी इज इक्वल टू पाई डी जी आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ट्वाइस टी डिवाइड बाई पाई डी जी। चेक कर सकते हैं कि क्या ऐसा ऑप्शन दिया गया है, और अगर ऐसा ऑप्शन दिया गया तो उसको हम लोग अपना आंसर पकड़ लेंगे। तो ये वो रेडियस है जिस रेडियस पर ये जस्ट बैलेंस कर पाएगा इसको। सो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस टी पाई डी जी टाइप का होना चाहिए, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, चेक कर सकते हैं अपना आंसर। और सिंस हमने पहले आपको बताया ऑब्जेक्टिव मेथड, गो फॉर द डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट को देख लो और अपने का आंसर आ जाता है, और अदरवाइज इसका एफबीडी बना लो। ओके एंड देन आफ्टर नेक्स्ट दैट यू हैव आस्क्ड 25th सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन इज गिवन, वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ द सेंटीमीटर डायमीटर विल बी। सो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली जानते हैं डेल्टा यू द एनर्जी, और एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, and that work done is going to be equal to t into the area, surface area that you have created. So bubble, to isko hum log likhenge t into surface area, bubble ka surface area hota hai 4 pi r square, aur hum 2 se multiply karenge, I hope you remember ki 2 se kyun multiply karte hain, kyunki sab bubble pe do surface hote hain, ek upar ek niche, bataya hoga aapko। अब डायमीटर दिया गया, उससे रेडियस निकालेंगे 1 सेंटीमीटर है, इसको रख देंगे टी रख देंगे, सिंपलीफाई करेंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। चेक कर लीजिए आपको आंसर मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो फिर करेक्शन करना पड़ेगा आंसर्स में। आंसर मैच नहीं हो रहा था इसमें शायद। मैच नहीं हो रहा है तो ये 1.9 आएगा और 8 आएगा और 1 आएगा तो 8 × 9.8। So, 16 आना चाहिए, ये जस्ट मैच करता हुआ नजर आ रहा है। आंसर क्या दिया इसने, आई मीन मैंने रफ कैलकुलेशन किया, फेयर कर सकते हो, ये 1.9 रहेगा टी की वैल्यू, उसके साथ 8 मल्टीप्लाई करोगे पाई आएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी और 10 रेस्ट पावर समथिंग आएंगे। सो 8 × 1.9 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 152 जैसा नंबर बनना चाहिए। 25 का आंसर आपको बी दिया जा रहा है, तो ये नंबर अपने को समझ में आ रहा कि 152 तो आएगा ही आएगा, 10 रेस टू पावर और एक पाई भी आएगा, 10 रेस टू पावर कितना आएगा उसको प्रॉपर रख करके चेक कर लेंगे, और वैसे भी हमको पता चल गया 152 आएगा तो कोई और तो हो नहीं सकता, यही होगा, पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे। 22nd भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि अगर एक पार्टिकल स्फेरिकल बॉल है ड्रॉप किया गया है तो क्या होता है,
हम लोग जानते हैं कि अगर किसी स्फेरिकल बॉल को किसी विस्कस मीडियम में डालते हो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है और अल्टीमेटली जाके टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है। फाइनली वो टर्मिनल वेलोसिटी से चलता है। तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ना चाहिए, फिर एक टाइम के साथ वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन देखो, टाइम के साथ बढ़ रहा है और एक स्टेज के बाद ये कॉन्स्टेंट हो जा रहा है, जम रहा है। और दूसरा वाला भी जम रहा है, लेकिन दूसरे वाले में प्रॉब्लम क्या है कि ये किसी एक वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, ये जीरो से स्टार्ट करता है। तो वो देख लेंगे कि स्टार्ट कहाँ से किया गया, ड्रॉप किया है, इसको मतलब जीरो वेलोसिटी से चला होगा। तो ए को मार्क करेंगे, बी को नहीं, सी बिल्कुल नहीं मार्क करेंगे। ये बोलते हैं वेलोसिटी पहले कम थी, पहले ज्यादा थी, वे डिक्रीज करते करते कम हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, दैट्स रॉन्ग। और ये बोल रहा है कि सडनली वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, शार्प टर्म नहीं आता है। सो ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। और ऐसा नोट्स में बताया सर, मैंने बोला है कि मतलब जब अंदर जा रहा है बॉल वहां से काउंट करना है ना ग्राफ, तो जब वो अंदर जाएगा जब उसके पास एक वेलोसिटी रहेगी ना पहले से u इनिशियल। अच्छा ऐसा है, एक बार पढ़ लेता हूं। मैंने मतलब केवल ऑप्शंस ही देखा है। अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट इनटू अ विस्कस फ्लूइड। ओके ओके ओके, तो विस्कस फ्लूइड हमारा इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है, दैट्स द पॉइंट राइट। सो ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो थी और यहाँ नॉन विस्कस था। तो नॉन विस्कस में हम लोग जानते हैं कि ये टाइम के साथ चेंज होता है और यहाँ पे ये टाइम के साथ बढ़ा होगा। और प्लॉट कहाँ से कहाँ तक करना वो भी देख लेते हैं। द वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ द बॉल इनसाइड द लिक्विड है, इसका टी इक्वल टू जीरो हमारा लिक्विड से स्टार्ट होगा। तो टी इक्वल टू जीरो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और तो फिर ये लीनियर प्रोफाइल रही होती है, तो लीनियर प्रोफाइल दिखाना नहीं, यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट आएगी, तो फिर वेलोसिटी से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये जम जाएगा। क्या बी आंसर दिया गया इसका? यस सर। हाँ, तो वो लैंग्वेज लैंग्वेज बेस में अगर ऐसा बोलता है कि हमने यहीं से ड्रॉप किया है सरफेस से, तो हम इसको मार्क कर दें। और जैसे आपने बताया कि उसका लैंग्वेज बदला हुआ है, तो पहले वेलोसिटी गेन कर लेगा, फिर सरफेस स्टार्ट होगा और वहीं से टी जीरो स्टार्ट हो रहा है। कैसे पता चला? Variation of speed of the ball inside the liquid बताना है। So when it comes to the inside the liquid, then our time starts. Good. ये zero वाला था। तो फिर हम B को mark करेंगे, A को नहीं करेंगे। 23rd mercury drop of radius 1 centimeter spread into large number of drops of equal size. The surface tension is given. Energy expanded is. We had a very similar question in the lectures, if you remember. So, क्या करना होता है? पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन करना होगा, फिर वहां से अपने को रेडियस निकालनी होगी, एंड देन आफ्टर एनर्जी चेंज। सो 23rd के लिए ये भी पॉपुलर और प्रोबेबल क्वेश्चन है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी लाइक फाइनल माइनस इनिशियल, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? फाइनल में अपने पास 10^6 ड्रॉप्स हो जाएंगे, तो 10^6 ड्रॉप्स हैं और एक ड्रॉप का एनर्जी विच इज टी इन टू, और ये मर्करी ड्रॉप है सिंगल सरफेस वाला है, तो 4πr² माइनस इनिशियल, इनिशियल हमारे पास एक ही ड्रॉप था, तो टी इंटू 4πR², तो कैपिटल आर बड़ा रेडियस था, और फिर इसके बाद 1000 रेडियस या 10^6 रेडियस ड्रॉप्स जो बने हुए हैं उनकी रेडियस है। इसके बाद आपके पास एक बड़ा आर रेडियस का था, उससे अपने पास स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स बनते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स बनते हैं, तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम को बराबर कर देंगे। सो 4π³ दैट मस्ट बी इक्वल टू 4π² लेकिन ऐसा कितने 10^6 तो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि r की वैल्यू 10^2 r आ जाएगा। पॉइंट इज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल r बाई 100। अब अपने को कैपिटल r पता है, तो स्मॉल आर को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर बाई 100 ओवर हियर। सो 10^4 आएगा, तो ये 100 बचेगा, तो अपना आंसर कुछ ऐसा आ जा रहा है, ये 100 बचेगा, तो 99 इंटू टी इंटू 4π² ये अपना आंसर हो गया। 100 - 1 दैट इज 99। अब अपने को टी बता होगा, टी उसने दे रखा है 3.5 और 4π हम लोग जानते हैं, आर अपने को पता है, मल्टीप्लाई करेंगे एक आंसर आएगा, जो भी आएगा वही आएगा। और ये जो एनर्जी आएगा, अगर ये पॉजिटिव आती है इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, अगर ये नेगेटिव आती है इसका मतलब उसकी एनर्जी ड्रॉप हुआ है। पॉजिटिव आता है इसका मतलब एनर्जी बढ़ गया है, नेगेटिव आता है इसका मतलब एनर्जी ड्रॉप हो गया। उसको हम लोग टेम्परेचर से भी लिंक कर लेते हैं, फिर रिमेम्बर
सपोज कर लो ये एनर्जी पॉजिटिव आती डेल्टा यू, इसका मतलब फाइनल एनर्जी ज्यादा रही होगी, तो फाइनल एनर्जी आई कहाँ से होगी, लिक्विड से ही आई होगी, इसका मतलब लिक्विड का टेम्परेचर डाउन हो गया होगा, तो ड्रॉप कूलर हो जाएंगे। तभी आप देखते हो कि बाथरूम में जो हम लोग ये रहते हैं ना, शॉवर रहता है, तो अगर आप शॉवर के ड्रॉप्स को देखोगे तो आपको कोल्ड रिलेटिवली ठंडा फील होता है, क्यों, क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स छोटे हो जाते हैं तो उसकी एनर्जी सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। सो दैट इज 23, सो 22nd, 23rd भी हो गया, 4 भी हो गया, 7, 8, 27 एंड 28. 27 is the end of a capillary tube with radius r is immersed in water. Then the end of this has been immersed in water. Then what happens? Mechanical energy remains conserved. Mechanical energy is lost by this amount. Mechanical energy lost by this amount. Mechanical energy is gained by this amount. So mechanical energy के बारे में पूछ रहे हैं. So क्या-क्या हो रहा होता है वो अपने को समझना है. जब उसके inside में आप ले जाते हो. So mechanical energy is energy आती है potential, kinetic. Ultimately आप पाते हो कि कोई भी body का part move नहीं कर रहा होता है. So there is no kinetic. So we need to think about potentials. कौन कौन सी potential energies होती हैं और उसमें क्या फर्क पड़ता है. So let's say ये tube आपने submerge की है कुछ ऐसा. Just try to think कि किस तरह से work करने वाला है. So liquid level यहाँ तक चला जाता है. ये height अपने को पता है. एक बात तो clear दिख रहा है कि ये height गया है तो कुछ weight ऊपर गया है, कुछ weight ऊपर गया है. इसका मतलब है gravity के against work हुआ है, तो gravitational potential energy बढ़ी हुई है. या फिर ऐसा बोल लो कि सरफेस टेंशन ने वर्क किया, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे लग रहे होंगे, बेसिकली ऐसे होते हैं, उनका कंपोनेंट ऊपर आता है और डिस्प्लेसमेंट भी अपसाइड है, तो एक्सटर्नल सरफेस टेंशन हैज डन सम वर्क एंड दैट वर्क हैज टू गो इनटू द एनर्जी ग्रोथ. सो एनर्जी बढ़ जा रही है, तो गेन वाला ऑप्शन सुटेबल लग रहा है अपने को, अगर हम लोग केवल ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं. अच्छा एक पॉइंट और देखना पड़ेगा, ये जो सरफेस था एज सच रहेगा, ये भी सरफेस था एज सच रहेगा, और इसके पहले यहाँ पर सरफेस था, यहाँ पर सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ेगा, और लेकिन वो कैलकुलेट करना अपने लिए चैलेंजिंग रहेगा. लेकिन ऑप्शन के बेसिस पे जाएंगे तो टी स्क्वायर जी डी, डी का मतलब क्या है, डी फॉर डेंसिटी आ रहा होगा. तो एक बार पहले ग्रेविटेशनल एनर्जी में कितना ग्रोथ हुआ उसके बारे में देख लेते हैं. सर वो जो वाटर का लेवल है वो नीचे नीचे नहीं जाता है क्या? अच्छा ये भी तो पॉइंट होगा कि ये ऊपर गया तो ये लेवल भी नीचे जाएगा, ये कुल जाना चाहिए. दैट हैज टू गो डाउन साइड, क्योंकि वाटर का तो टोटल वॉल्यूम कंजर्व है. हालांकि क्या होता है कि इसकी रेडियस बहुत कम होती है, कंटेनर हमारा बहुत बड़ा होता है तो इसको ऑलमोस्ट वही मानते हैं, बट जब हम एनर्जी कंजर्वेशन जैसी बात कर रहे हैं तो फिर अगर इसको ऊपर राइज करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉप तो किया ही होगा. लेकिन एक बात समझ में ये आ रही है कि जो इससे पहले और इसके बाद में, इसमें एक बात हुई है कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स था उसने कोई ना कोई वर्क किया है, उसने इसको पुल किया है, तो उसका वर्क डन आएगा. लॉस तो कहीं हुआ नहीं इसमें. हम लोग दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो लॉस भी तो कहीं नहीं हुआ है. फ्रिक्शन है नहीं, नॉन विस्कस केस हम लोग मान के चल रहे हैं, राइट? और सिस्टम पर जो भी था वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से रहा होगा. एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इफ यू इमर्ज इनसाइड द वाटर. सो अगर वर्क डन हम पूछें तो एनर्जी फिर कंजर्वेशन बोल सकते हैं. इसमें दो तीन पॉइंट्स का इशू आ रहा है. एक तो इस बात का आ रहा है कि अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो अपने लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है, और प्रोबेबली उसके बारे में बात नहीं कर रहा होगा.
और अगर हम इसको सिस्टम पकड़ते हैं तो क्या सिस्टम में हम लोगों ने कोई बाहर से फोर्स लगाया है? बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है। तो अगर हम लोग बाहर से फोर्स नहीं लगाते हैं, अंदर जो भी फोर्स लग रहे होंगे तो वो सारे कंजर्वेटिव है। एफ टी जो सरफेस टेंशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है तो वो भी कंजर्वेटिव रहता है। ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं कि हम बोलेंगे कि उसमें मैकेनिकल एनर्जी कैसा रहा होगा कंजर्व। इसमें वो भी पॉइंट आपका काउंट हो जाएगा कि लिक्विड लेवल हमारा नीचे कितना गया। डेफिनेटली वो नीचे जाएगा नो मैटर कितना इसका वेट क्यों ना हो। अगर थोड़ा सा पोर्शन ऊपर गया तो ये नीचे ही रह जाएगा, तो उसका भी कैलकुलेशन हो जाएगा, एफ टी का भी कैलकुलेशन हो जाएगा। एक बार आंसर चेक करो तो फिर थोड़ा हम और वेरीफाई कर पाए। क्योंकि अपने को लॉस वाले फोर्स नजर नहीं आ रहे हैं। सरफेस टेंशन का जो वर्क आता है वो बेसिकली कंजर्वेटिव जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं, उसको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। एंड मैकेनिकल एनर्जी में उसका काउंट आएगा, ग्रेविटेशन का भी काउंट आएगा, लेकिन सबका सम तो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अब्सेंस की वजह से हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन बोल सकते हैं। वैसे क्या सोल्यूशन है भेजो फिर मैं बताता। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, अगर कुछ नया पॉइंट होगा तो उसे हम लोग निकाल लेंगे। तब तक मैं आपका जो बचा हुआ 28 था उसके क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 से सम व्हेन सम डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर द सरफेस टेंशन व्हाट हैपेंस टू द सरफेस टेंशन। डिटर्जेंट ऐड करने से क्या होता है, हम लोगों ने बात की थी इफ यू रिमेंबर, कि सरफेस टेंशन जो होता है डिटर्जेंट ऐड करने से वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड क्लोज के अंदर जा सकता है और डर्ट वगैरह जो होती है, डस्ट वगैरह जो भी होती है उसको बाहर निकाल देता है। तो इम्प्योरिटी ऐड करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। एक और पॉइंट बोला होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। डिक्रीज ऑप्शन लगा देंगे। यस सर, मतलब हमने बुक के अंदर लिखा था कि जब कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, बट हमने मतलब वी स्टडीड इन केमिस्ट्री दैट मतलब अगर वो डिपेंड करता है कि जो इम्प्योरिटी है वो सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है, लाइक अगर वो सॉल्यूबल है तो सरफेस टेंशन बढ़ता है और अगर इनसॉल्यूबल है तो कम होता है। सर तो पॉइंट समझा नहीं, मतलब सॉल्यूबल है इनसॉल्यूबल है, देखो क्या होता है ना कि अगर इम्प्योरिटी का मतलब ये होगा, जैसे आप कॉमन सेंस से समझाते हैं, जैसे ये अपना सरफेस है ना, आपने कोई इम्प्योरिटी डाली, ये नया फॉरेन पार्टिकल आ गया, एक्सटर्नल पार्टिकल आ गया, तो ये पार्टिकल अपना स्पेस बनाना चाहेगा, तो इनके बीच में जो एक कंटिन्यूटी थी ना, जो लेयर थी, उस लेयर को ये ब्रेक कर देगा। तो यहाँ भी लेयर ब्रेक हो जाएगी, यहाँ भी लेयर ब्रेक हो जाएगी, तो कई जगह पर लेयर ब्रेक हो जाएगी। तो वो जो लेयर स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह फील कर रहा था, अब वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह फील नहीं कर पाएगा। तो या फिर उसके स्ट्रेस मेम्ब्रेन की जो पहले प्रॉपर्टीज थी स्ट्रॉन्ग थी, अब वो काफी वीक हो जाती है, इसका मतलब उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है। और तभी हम लोग जानते हैं कि वाटर में डिटर्जेंट ऐड करते हो तो वो यही काम कर रहा होता है। समझा, इसका अगर आपने सोल्यूशन भेजा है तो मैं इसके बारे में देख लेता हूँ, अदरवाइज हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आज अपने को पढ़ना था इलास्टिसिटी और SHM के बारे में। 28 Have you sent the solution? क्या था उसमें? Yes sir, भेजा है WhatsApp पे पर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ रेलेवेंट पॉइंट होगा तो उसको कैच कर सकते हैं और फिर अपने नोट्स में उसको ऐड कर लेंगे।
ये कुछ काउंट कर रहा है। इसने कुछ ऐसा काउंट किया है कि एक तो ये कैलकुलेट किया कि सरफेस टेंशन के फोर्स ने कितना वर्क किया, और दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज करके इट्स ट्राइंग टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गेन वर्क डन बाय द सरफेस टेंशन। कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर कुछ लिखा है उसने, दो पॉइंट्स लिखे हैं। एक तो ये लिखा हुआ है जो दोनों पॉइंट्स के लिए हम लोग वरी कर रहे थे, एक तो सरफेस टेंशन का वर्क डन आएगा और दूसरा ग्रेविटी का वर्क डन आएगा, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर नहीं कर पा रहे। सो ग्रेविटी का वर्क डन बेसिकली इसके करस्पॉन्डिंग आएगा। उसने ये मान के चला है कि ये पूरा बड़ा सा है तो इसमें जो ड्रॉप है वो इग्नोर कर दिया है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड द वर्क डन बाय दिस टेंशन फोर्स इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी या इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो लॉस हो जाएगी। तो वो जो आपने भेजा है उसको मैं अलग से सॉल्व करके भेज देता हूँ ग्रुप पे, कैसे इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। और एक बार मैं उसको रीथॉट भी दे देता हूँ अगर कुछ करेक्शन होगा सोल्यूशन में उसके। सो अभी 27 का सोल्यूशन हम आपको अलग से भेज देते हैं, बाकी अपने को समझ में आ गया होगा। दैट इज सफिशिएंट। यस सर। इसके बाद हम लोग इलास्टिसिटी और SHM को रिवाइज कर सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच इन द एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली SHM। SHM में एक से ज्यादा क्वेश्चन दिया जाता है, इलास्टिसिटी में भी रफली एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है एग्जाम में। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं रिवाइज करा देता हूँ। अगर हम लोग इलास्टिसिटी पर आते हैं तो इलास्टिसिटी ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होता है जिससे वो ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को रीगेन करने की कोशिश करता है। मतलब अगर अपने पास कोई बॉडी है और उस बॉडी पर लेट से आपने फोर्स अप्लाई किए, मे बी लाइक दिस और दिस, तो ये जो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट लाइक कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं आएगा और ये बॉडी डिफॉर्म हो सकती है, मे बी कि लाइक ऐसे डिफॉर्म हो जाए। जब ये फोर्स आप रिमूव कर लोगे तो बॉडी क्या करेगा, फिर ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को एक्वायर करने की या अचीव करने की कोशिश करती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का जिसकी वजह से ये रीगेन करने का ट्राई करता है उसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। और इलास्टिसिटी में जो हम लोग यूज करते हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्सेस। तो जो फोर्स जो उसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। कई बार आपसे पूछ सकता है व्हाट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड हाउ मच दैट इज, तो एग्जांपल से डील कर लेते हैं। लेट्स से कि एक बॉडी है जिस पर आपने इधर फोर्स लगाया और इधर फोर्स लगाया, मे बी दिस फोर्स इज 80 न्यूटन, मे बी दिस फोर्स इज 25 न्यूटन, और आपसे पूछता है कि फॉर दिस एग्जाम्पल फाइंड अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो क्या हम बता सकते हैं कि इसमें कितना डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी पर? तो फोर्स को हमको रियलाइज करना आता है कि कौन सा डिफॉर्मिंग है, कौन सा नेट फोर्स है, कौन सा किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। So you, if you want, you can write this 80 as a 25 plus rest of it, that is going to be 55 newton. आप पाओगे कि ये 25 इधर लग रहा है उसको ये 25 काउंटर कर रहा होगा। तो ये जो काउंटर करता है एक दूसरे को वो डिफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो 25 न्यूटन इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। और आपसे पूछता है कि नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 55, क्योंकि दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो नेट फोर्स विल गिव यू एक्सेलरेशन और मोशन और चेंज इन द मोशन, और डिफॉर्मिंग फोर्स विल बी डिस्टॉर्ट द ऑब्जेक्ट, और उसकी वजह से ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। जब फोर्स आप हटा दोगे देन यू फाइंड कि वो रीगेन करने की कोशिश करेगा, उसी रीगेन करने की कोशिश को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि बीडी में कितना डिफॉर्मिंग फोर्स है वो बताइए।
एक बार अपने को डिफॉर्मिंग फोर्स समझ में आता है तो हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर बॉडी रीगेन करने की कोशिश करे दैट मींस उसके अंदर इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाते हैं, वो इंटरनल फोर्स क्या करते हैं उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। सो कितना रिस्टोर करने की कोशिश हो रही है उसको मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड एरिया। इंटरनली जो फोर्स लग रहे हैं रिस्टोर करने के लिए पर यूनिट एरिया उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। देन यू रिमेम्बर कि स्ट्रेस को हम लोगों ने कैटेगराइज किया होगा कि नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस के और भी नाम दिए थे टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये फिर इसी में से एग्जांपल बना देते हैं। इसमें टेंसाइल होता है जो टेंशन की वजह से आ रहा होगा, कंप्रेसिव होता है कंप्रेशनल होता है, वॉल्यूमेट्रिक होता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल भी नाम दे देते हैं टेंसाइल और कंप्रेसिव को कई बार, और दूसरा था शियर स्ट्रेस। इनको हम लोग सभी को हम लोग एक लाइन से लिख सकते हैं कि ये फोर्स विच इज इन द नॉर्मल डायरेक्शन पर यूनिट एरिया लगता है। टेंसाइल में टेंशन फोर्स लग रहा होगा, कंप्रेसिव में कंप्रेशनल फोर्स लग रहा होगा, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम पे फोर्स लग रहा होगा, और शियर स्ट्रेस के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं पैरेलल टू द सरफेस पर यूनिट एरिया। आपको दोनों का डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए, अगर आता है तो फिर जमता है, और अगर नहीं आता तो एग्जांपल आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। लेट्स से ये अपने पास एक रॉड है और इसका ये पार्ट फिक्स कर दिया गया है और कोई इस पर एक ऐसा फोर्स लगाता है, मे बी दिस एंगल इज थीटा, और इसका एरिया ए दिया गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो हम लोग बोलेंगे कि इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं फोर्स के, वन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया अलोंग द एरिया, दिस फोर्स विल बी नोन एज फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस एरिया एंड दैट इज गोइंग टू बी एफ कोसाइन थीटा, एंड दिस फोर्स विल बी नोन एज पैरेलल दैट इज एफ साइन थीटा। सो पॉइंट इज कि अगर सरफेस के अलोंग लग रहा है सरफेस पे तो वो शियर करता है, इसको कई बार हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, और ये जो दूसरा है नॉर्मल है उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, और सिंस ये पुल कर रहा है इसलिए टेंसाइल स्ट्रेस बोल देंगे। वॉल्यूमेट्रिक का क्या एग्जांपल है, अगर ये स्फीयर है और इसके सभी डायरेक्शन में से पार्डन इस तरह से अगर फोर्स एक्ट कर रहा है सो दैट इज गोइंग टू बी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और अपने को एरिया बताएगा उस एरिया के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स है वो पता कर लेंगे, पैरेलल कौन सा फोर्स है वो पता कर लेंगे। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल आ सकता है, तो हम लोग लैंग्वेज या उसकी जो डेफिनेशंस को फॉलो करके अपना आंसर बता देते हैं। जिस तरह से स्ट्रेस आता है सिमिलर टाइप का एक और टर्म आता है जिसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन द कॉन्फिगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। सो ओरिजिनल और चेंज में हम चेंज बाय ओरिजिनल का रेशियो लेते हैं और उसी को स्ट्रेन कहते हैं। ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है क्योंकि चेंज इन लेंथ बाय चेंज इन ओरिजिनल लेंथ लिखेंगे या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखेंगे या फिर कोई और वैल्यूज यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। इसके भी अपने टाइप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल में आएगा डेल्टा एल अपॉन एल चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, फिर आपने वॉल्यूमेट्रिक पढ़ा होगा चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम, एक और पढ़ा होगा शियरिंग और शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को लोग थीटा से लिखते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली आ सकता है। तो अगर अपने पास ये बॉडी है और ये ऐसा डिफॉर्म हो जाए, अलग से बना देते हैं, अगर आपने डाउन साइड फिक्स कर दिया है और ऊपर फोर्स लगाया सो दिस मे अपीयर लाइक दिस। ऐसा तभी अपीयर करेगा जब आपने इसको फिक्स किया हुआ है और यहाँ पर फोर्स लगाया तो ये जो ब्रांच थी या साइड थी वो कितना एंगल से बेंड किया हुआ, तो इस थीटा को हम लोग यूज कर लेते हैं, इसी थीटा को स्ट्रेन कहते हैं, शियर स्ट्रेन। दिस थीटा मस्ट बी रिटन इन रेडियन टर्म, कि जब कभी थीटा हम लोग यूज करते हैं तो रेडियन के टर्म में उसको यूज कर लेते हैं। So, ये अपना स्ट्रेन स्ट्रेस
दोनों पॉइंट समझने के बाद हम लोग ये बता सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिट, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। जस्ट लाइक इनके थ्री टाइप्स थे तो इसके भी थ्री टाइप्स होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है यंग्स मॉडुलस। इसको वाई से इंडिकेट करते, कई बार लोग ई लिखते हैं, तो यू कैन वॉच इट। दस नॉर्मल फोर्स, अगर ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अलग अलग के लिए अलग अलग नाम दे दिए गए। सो जैसे रॉड पे लगाओगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल लगाते हैं। ये फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहाँ से अपने को डेल्टा एल निकल के आता है जिसकी अपने को जरूरत रहती है। तो डेल्टा एल की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एफ एल अपॉन ए वाई। कई बार हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। इट रिजेंबल्स विद एफ इज इक्वल टू के एक्स, वेयर दिस इज के, दिस इज एक्स। एक्स इज द चेंज इन द लेंथ और के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। सो ये मॉडुलस ऑफ यंग्स है, ये फिर इलास्टिसिटी का एक टाइप है और ये काफी इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपने देखा होगा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को कई बार बी या के से लिखा जाता है, और इसके लिए हम लोग लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो फॉर्मूला वाइज ये बनता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को डेल्टा पी लिखते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज प्रेशर बेसिकली, और स्ट्रेन इज गोइंग टू बी डेल्टा वी वाई वी। सो ये फॉर्मूला बन जाता है, और कई बार इसको हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशियल के टर्म में लिख लेते हैं, तो ये बनता है वी माइनस डी पी बाई डी वी। आपको अगर याद हो तो इसको हम लोग गैसेस में भी यूज करते हैं, आइडियल गैस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बी की वैल्यू डिफरेंशिएट करने के बाद पी के बराबर आती है, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बी की वैल्यू गामा पी के बराबर आती है, जो कि हम लोग वेव में यूज करते हैं साउंड में। इसका एक रिवर्स वर्जन है, तो उसको वन बाई बी अगर अपने को लिखना हो तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट कंप्रेस्ड। तो कितना कंप्रेस होगा उससे हम चेक कर सकते हैं, कई बार लोग उसको कैसे इंडिकेट कर देते हैं। एंड द थर्ड इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कोई मटेरियल कितना रिजिड है उसको टेस्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको जनरली हम लोग ईटा से इंडिकेट कर लेते हैं, और इसमें शियर वर्ड यूज करते हैं, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन अभी हमने देखा थीटा से आता है, और ये फोर्स आता है पैरेलल पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय थीटा। तो थीटा निकाल लेते हैं। सभी का यूनिट प्रेशर के बराबर आता है, तो जो प्रेशर का यूनिट होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है, वही स्ट्रेस का होता है। तो सभी के यूनिट और डायमेंशंस बराबर रहते हैं। तो इनमें से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट था कि अगर कोई वायर है और लेट से इसको यहाँ पे फिक्स किया गया, एंड देन यू हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट मे बी लाइक दिस, जब वेट अप्लाई किया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यंग्स मॉडुलस लेंथ वगैरह अपने को दी गई है। सो वी कैन हैव अ ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अगर आप यहाँ पे स्ट्रेस लिखते हो, यहाँ पे स्ट्रेन लिखते हो, सो द ग्राफ गोज लाइक दिस। पहले स्ट्रेट लाइन जाता है, थोड़ा सा बेंड होता है, फिर थोड़ा सा डाउन साइड जाता है, फिर यहाँ पे वेवी नेचर दिखाता है, फिर सम सॉर्ट ऑफ दिस हो जाता है। इनके पॉइंट्स अपने को पता रहना चाहिए, कौन सा पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है। जीरो से ए तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, दैट्स कॉल्ड हुक्स लॉ। हुक्स लॉ फॉलो होता है, ए से बी तक जब आप जाओगे तो इलास्टिक होगा, लेकिन हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर एक पी पॉइंट है, यहाँ पर पार्शियली इलास्टिक पार्शियली प्लास्टिक रहता है। पी को हम लोग यील्ड पॉइंट कहते हैं, ये जो वेवी है ये शो करता है प्लास्टिक आ गया। यहाँ पर सी पॉइंट होता है, नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। डी पॉइंट पर अल्टीमेट स्ट्रेस मिलती है, और ई पॉइंट पर ब्रेक हो जाता है। सो ये सारे पॉइंट आपको डिक्टेट किए गए, समझाए गए, और
इन पॉइंट्स को आप याद रख सकते हो, आपसे पूछ सकते हैं कि ए बी क्या है या फिर हुक्स लॉ कहाँ से कहाँ तक, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या है, तो ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट और पी इज अ प्लास्टिक, उसके आगे का उसका ब्रेकिंग वाला पॉइंट आता है। इसी से रिलेटेड अपने पास होता है कि स्टोर्ड एनर्जी कितना होता है, स्टोर्ड एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी कह सकते हो आप। सो हम लोग लिखते हैं हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये वॉल्यूम, तो फिर ये डेंसिटी हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, इस पर बेस क्वेश्चन अपने को मिल जाता है। और बाकी ये डेफिनेशन बेस ही थ्योरेटिकल काफी चैप्टर है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस रहेगा। इसके बाद आपको पॉइजन रेशियो बताया होगा और इनको भी नाम दो मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। पॉइजन रेशियो, इसको अलग अलग लेटर से लोग इंडिकेट कर लेते हैं, लोगों ने कुछ ऐसा न्यू लेटर से इंडिकेट किया होगा। और ये रेशियो होता है, जब किसी रॉड को आप इलोंगेट करते हो ना तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है लेकिन उसकी विड्थ कम हो जाती है, तो जो विड्थ होता है उसको ट्रांसवर्स बोल लेते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मोस्टली आपके लेवल पे क्या करेगा, वो पॉइजन रेशियो वाली बात नहीं करेगा, तो हम मान के चलेंगे लेंथ उसकी विड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अगर बोलता है पॉइजन रेशियो तो फिर अपने को यूज करने का। लेट्स अगर ये रॉड था और आपने इधर फोर्स एफ लगाया, तो बाद में आप पाओगे कि ये जो रॉड है ना ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन विड्थ कम हो जाएगी। सो अगर हम लेंथ को एल से लिखते हैं और विड्थ को बी से लिखते हैं, ये फॉर्मूला लिखा जाएगा माइनस डेल्टा बी बाई बी डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये नेगेटिव आएगा तो ये माइनस उसको क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा, ये पॉजिटिव है तो ये पॉइजन रेशियो पॉजिटिव रह जाएगा। और अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो विड्थ बढ़ेगी लेंथ कम हो जाएगी, ऑफ कोर्स बात है, तो दोनों में एक रिवर्स रहा होगा इसलिए माइनस उसको कंज्यूम कर लेता है। सो दिस इज हाउ द पॉइजन रेशियो इज यूज्ड और कैलकुलेटेड। इसके बाद आपको बताया था कि जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स भी खास इंपॉर्टेंट का है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, इनको हम लोग इलास्टिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं। और इसका रिलेशन कुछ ऐसा जाता है कि वाई की जो वैल्यू होती है, यू नीड टू रिकॉल दिस कि क्या होता है, ये ट्वाइस ईटा वन प्लस नी होता है और वाई इज इक्वल टू थ्राइस बीटा वन माइनस ट्वाइस नी होता है। सो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का रिलेशन, यंग्स मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस का रिलेशन पॉइजन रेशियो के बेसिस पर हम बता सकते हैं। तो अगर अपने को ये दो पता है और बाकी दो नंबर पता है तो फोर में से बाकी दो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। दो नंबर देगा जैसे पॉइजन रेशियो दे दिया और लेट से यंग्स मॉडुलस दे दिया, आपसे पूछते बीटा बताइए तो आप इसको यूज करके बता दोगे, ईटा बताइए तो इसको यूज करके बता दोगे। सो हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, पर्टिकुलरली डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होते हैं, ये स्ट्रेस कौन कौन सी होती हैं और उनके क्या फॉर्मूलाज होते हैं, स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन कैसे होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में अलग अलग केसेस के लिए, और वायर केस में कैसा आता है, एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, और पॉइजन रेशियो उनके रिलेशन इलास्टिक। इसमें कोई पार्ट रिवाइज करना, थोड़ा सा और एलिबरेट करना तो आप बोल सकते हो अगर आपको समझ में आ गया तो। हम लोग इलास्टिसिटी क्वेश्चंस कर सकते हैं जो आपको शीट दी गई है, ऐसे टाइम भी बताएंगे तो जल्दी में हो जाएगा, इसको फिर लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे एस एच एम को, और तब तक आप इसको ट्राई करके आएंगे इलास्टिसिटी और एस एच एम के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा अगर थ्योरी वाला पोर्शन, तो उसके बाद आप अपने डाउट पूछ सकते हो। आज लेट भी हो गया था मैं क्लास स्टार्ट करने में और इधर आपका टाइम ज्यादा हो गया, सो we can wind it up now.
और आप इलास्टिसिटी एक बार रिवाइज कर लीजिए एसएचएम पढ़ने के बाद मॉड्यूल को या शीट जो दी गई उसको सॉल्व करने का. विल दैट बी ओके? यस सर. चलेगा देन. थैंक यू एवरीवन.